शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। Increases and it raises from a lower level to a higher level. We will continue in the next class. Thank you.
Excuse me, sir. Come in. May I come in? Chal pe, puchta kya hai? Abhi chal aage baith. तुम क्लास में नहीं रहना चाहते हो तो बाहर चले जाओ, लेकिन यहां बैठकर क्लास को डिस्टर्ब मत करो। बाहर क्यों जाएं? फीस देते हैं। फीस आप पढ़ने के लिए देते हैं, पीछे बैठकर सिगरेट पीने के लिए नहीं। तो आगे बैठ के पी सकते क्या? डोंट आर्गू विथ मी, फेंक दो सिगरेट। तो मुझे प्रिंसिपल से कंप्लेंट करनी पड़ेगी। अरे चले। शिवा, हाय। कॉलेज में नए-नए आए हो? आओ, चलते-चलते बात करते हैं। आप ये चाहते हैं सर कि मैं जेडी के खिलाफ कंप्लेंट ना करूं, चुप रह जाऊं? वो बदतमीजी करता रहे और मैं उसे पढ़ाता रहूं? आज उसने मेरे मुंह पे धुआं फेंका है, कल अगर वो थप्पड़ मार दे तो क्या आप फिर भी यही कहेंगे कि चुपचाप पढ़ाते रहो? बात इतनी आगे नहीं बढ़ेगी। गलत बात अगर रोकी ना जाए बढ़ती ही चली जाती है। सर, आपको जेडी के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। जेडी कॉलेज के स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट है, अगर हमने उसके खिलाफ कोई भी स्टेप लिया तो जानते हैं क्या होगा। कॉलेज में हंगामा, तोड़फोड़, स्ट्राइक और फिर आपको हटाने के लिए भूख हड़ताल। सर, अगर हटना ही पड़ा तो हट जाऊंगा, और बहुत से कॉलेज हैं और मेरी डिग्री ऐसी है कि हर एक कॉलेज में मुझे नौकरी मिल सकती है। और हर एक कॉलेज में आपको एक जेडी भी मिल जाएगा। हे यादगिरी, कैसा है? अच्छा सर। ये यादगिरी हमारा फूड मिनिस्टर है। क्या शर्माते भी है। अब हाय, इनसे मिलो। ये शिवा, आज ही कॉलेज में एडमिशन लिया है और अब हमारे पल्टन में। बैठो यार। बाकी लोग कहाँ है भाई? हाय हाय, मीट आवर न्यू रिक्रूट शिवा। आशा, हाय। हेलो। आशा देखने में भोली भाली, सीधी सादी, लेकिन एक ओके। और ये वृंदा, वृंदा पढ़ाई में टॉप, लिखाई में टॉप और स्पोर्ट्स में जीरो। सैमसन, देखने में नाम है छोटू, गुस्सा हमेशा नाक की नोक पे रहता है। शिवा, छोटू। हाय। ये नरेश,
हेलो, हमारे ग्रुप का सबसे इंटेलिजेंट लड़का हम सबको कॉम्प्लेक्स देता है। ये रवि, रवि लालवानी। हाय। लालवानी साहब सुबह सुबह उठते हैं, श्रद्धा से पूजा करते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, बस स्टॉप जाते, कोई भी लड़की दिखी उसके पीछे। तो शिवा, यही है हमारी पूरी पलटन। घर पर बोर हुए तो कॉलेज, कॉलेज में बोर हुए तो कैंटीन, बस। ए, क्या कर रहे हैं यार? मैंने क्या किया? तो ये आप थी? हाँ भाई, यही होता है। लड़की से मिले हुए अभी 2 मिनट भी नहीं हुए और अभी हमसे बढ़कर हो गई। आई चमेली, 2 प्लेट समोसा दे। आपके हिसाब 200 से बढ़ के हो गए। जब तक पैसे नहीं दिए कुछ नहीं देना बोल के सेठ ने कहा। चुप साले, सेठ से बोल दे जा। जेडी के ध्यान की दादागिरी रोज रोज बढ़ती ही जा रही है। उससे हमें क्या लेना देना? कब तक खामोश रहे? वो बच्चे के ऊपर दादागिरी है क्या? अगर हम ऐसे ही चुपचाप रहे तो एक न एक दिन हमारे ऊपर भी चढ़ जाएंगे। छोटू, अरविंद और उसके दोस्तों को क्या हुआ था तुम भूल गए? फर्स्ट क्लास स्टूडेंट शिवा, एक दिन जेडी एक लड़की को छेड़ रहा था और अरविंद उसे रोकने गया। बस कॉलेज खत्म होने के बाद गेट के पास भवानी के लोग गाड़ी में आए और अरविंद और उसके दोस्तों को खूब मारा। मैं और नरेश वहीं पे थे। बेचारा, उसके पेरेंट्स तो बहुत डर गए और उसका कॉलेज आने ही छुड़वा दिया। छोटू, मेरी बात सुनो यार, हम यहाँ पढ़ने आते हैं, हमें इस लड़ाई झगड़े से क्या लेना है ना? छोड़ो ये सब यार। ए, यादगिरी 2x3 स्पेशल। कौन है बे? न्यू एडमिशन होगा। क्या हो? नाम? साइकिल मेरी है। तेरा नाम लिखा है क्या? देख बे। हीरो। तू हीरो है? हाँ, हीरोइन कहाँ है रे? हाँ, समोसा खाएगा? अरे जल्दी चल रहे, पिक्चर का टाइम हो गया। ओ, फिर गिर गई। डैडी डैडी, मेरे लिए बिल्डिंग बना दीजिए ना। अपने लिए कमरा नहीं बना सकी, तेरे लिए बिल्डिंग क्या बनाएंगे? अंकल, मेरी बिल्डिंग गिर गई है, बना दो ना। बस बस, बहुत हो गया, बहुत खेल हो गया, जाओ अभी पढ़ो, जाओ। और शिवा, कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन कॉलेज? और हाँ, तुम्हारी फीस कितनी है? 2000 और कल आखिरी दिन है। ठीक है, सुबह मुझसे ले लेना। अब जाओ, मुंह हाथ धो लो और आके नाश्ता कर लो। ओके। 2000 तो सिर्फ फीस है, बाकी कपड़े, कैंटीन का बिल, किताब, काफी खर्च है। माथुर जी के क्लास तो समझ में ही नहीं आती। मुझे तो उस क्लास में जाने से ही एलर्जी। अभी तो ठीक है, एग्जाम में क्या करोगे? अरे लास्ट ईयर तो नकल भी मारी थी, फिर भी सप्लीमेंट्री मिली मुझे। क्यों रे, आजकल इसको लाइन मार रहा है क्या? आता तो हाँ बोल। हाँ जेडीपी, क्या करेगा? अच्छा, लड़की इतनी खूबसूरत कि मेरा तो दिल आ गया। मैं बोला इसको पटाना पड़ेगा, उसको मैं पिक्चर ले गया, रेस्टोरेंट ले गया, कहाँ कहाँ नहीं ले गया। उसने क्या किया, राखी लेके घर आ गई। हाँ
कह रहे हो पहले पता तो करें कि हुआ क्या है। आशा क्या हुआ? हम लोग तो यही आ रहे थे, फालतू में जेडी ने वृंदा पे कमेंट मारा और रवि से झगड़ा कर लिया। व्हाट्स दिस नॉनसेंस, आप लोग प्रिंसिपल से कंप्लेंट क्यों नहीं करते? कंप्लेंट प्रिंसिपल से? व्हाट्स द पॉइंट? तुम इन्हें नहीं जानते शिवा, अगर हम लोग प्रिंसिपल से कंप्लेंट करें ना तो ये लोग प्रिंसिपल से उल्टा जाके कहेंगे कि वृंदा ने उस पर आंख मारी, सारे कॉलेज में बदनाम कर देंगे बेचारे को। क्या यही सोचकर हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे? कंट्रोल योरसेल्फ, तुम तो इन्हें जानते हो, जरा सी बात नहीं और फौरन भवानी तक पहुंचे। जाने दो यार, मुझे तो तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। कॉलेज का मतलब है पढ़ाई करना, कल्चर्ड बनना, ये नहीं कि उसे गुंडागर्दी का। बेटा तुम्हें कितनी बार समझाया, जब हम बात करते हो बीच में नहीं आते, चलो अंदर जाके खेलो। देखो शिवा, हम ठहरे मिडिल क्लास के लोग, हमेशा से सर झुका के काम करते रहे, बस इसी में हमारी भलाई है। तुम्हें इन सब मामलों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है? मेरे दफ्तर का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूं। आपसे कितनी बार कहा है, जब मैं खेलती रहूं तो बीच में डिस्टर्ब मत करना। डैडी का गुस्सा मुझ पर, चलो आइसक्रीम खिलाता हूं। हाय, क्या मुस्कुराहट है, हमेशा सीरियस रहने के बजाय कभी कभी हंस भी लिया करो। तुम्हारी एज क्या है? लड़की तो नहीं हो ना, बता सकते हो? शादी कब कर रहे हो? अरे ये मत समझना कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, शादी के झंझट में मैं नहीं पड़ती। चावल चुनना, सब्जी काटना, खाना बनाना, ये सब मुझसे नहीं होता। अच्छा ये सब छोड़ो, चाय पिलाओगे? अरे क्या बात है, अरे अकेले हंस रहे हो, हमें भी तो कुछ बताओ। ये अपना फूड मिनिस्टर है, क्या मस्त जोक सुना है, तुम लोग भी सुनो। कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ कंटिन्यू, आप लोग हंसते हैं भाई, अपना सेट है ना, अपन को रोना पड़ेगा पहला। बॉटनी क्लास का टाइम हो गया, चलो चलते हैं। अरे छोड़ ले यार बॉटनी क्लास, मैटनी शो जाएंगे। अरे क्यों, एग्जाम सर पे और तू बोलता है पिक्चर पिक्चर। अरे शिवा चलो हम क्लास में जाएंगे। अरे शिवा तो मेरे संग पिक्चर आ रहा है, क्यों शिवा? नहीं मुझे क्लास जाना है। अरे यार टॉम क्रूज की टॉप गन, ये फिर श्रीदेवी की एक नई पिक्चर लगी है। श्रीदेवी तो चल शिवा चल चल चल। अरे बैठ ना। अरे छोड़ ना यार, ए चलो ना यार पिक्चर जाएंगे, क्लास चलते हैं। डिस्कशन क्यों, चिट्ठी फेंकेंगे। गुड आइडिया। तूने तू बहुत चीटिंग करता है, और कोई? बोला बोला यार, अपन को पढ़ना है तो आपके साथ ही बैठता, चाय क्यों सप्लाई करता? बॉटनी बॉटनी दिखा दे। अरे बोल रहा हूँ ना, भरोसा नहीं क्या? अरे मुन्नू भरोसे का सवाल किधर है, चिट्ठियां तो मैंने ही बनाई है, जब दोनों पर मैट नहीं लिखा तो फिर बॉटनी कहां से आया? बॉटनी छोड़ेंगे मैट नहीं देखेंगे, है क्या ख्याल बोलिए, हिस्ट्री लेक्चर है मिस्ट्री पिक्चर है, दोनों में वोट दीजिए। बॉटनी लेसन है बोर जानी, हिस्ट्री मुर्दों की है कहानी, अरे गीतों की फाइटों की फिल्म देखो, ब्रेक डांस डिस्को डांस मिलके नाचो। जैसे जेम्स बॉन्ड है, जेम्स बॉन्ड का है का ये तो बॉन्ड है, पोज़ ऐसे जैसे सिक्का।
झगड़ 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 जाम झगड़ 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 जाम झगड़ 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 जाम झगड़ 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 जाम मार्च का सोचो तो अचुक अरे गाना है तो सुर में गाओ वरना मत गा मार्च का सोचो तो अरे सुर में प्लीज प्लीज मार्च का सोचो तो इम्तहान बोलो तो ठंडे पसीने चले अरे कोई तो समझाओ कितना तो बतलाओ है कौन रास्ते भले काहे को है राह बोले राजा एक रास्ता है मैं दिखलाऊंगा अरे काहे को सितंबर भूला है तू सप्लीमेंट्री का शहंशाह है तू ये क्या हो रहा है इम्तिहान सर पर है तुम लोग नाच रहे हो चलो क्लास में बाप रे देख उधर आ गया है लेक्चरर डांटता है आके यार ये अरे ये कहां से आ पहुंचा क्यों हुआ विलन जैसा चीखता है बार बार ये शायद ये खाना ना खाया होगा बीवी से लड़ भिड़ के आया होगा गुस्सा हमी पर उतारेगा ये कहेगा कि फ्यूचर सब अरे क्या बात कर रहे हो मैम साहब अनपढ़ गवार और जाहिल यहाँ किस्मत से लाखों कमाए मियाँ बीएससी बीकॉम करके यहाँ बने जाके दफ्तर में चपरासिया गड़बड़ क्यों जो लोग मैट नहीं जाने हैं मैट नहीं जाओ जो लोग बाट नहीं जाने हैं बाट नहीं जाओ झगड़ा क्यों ये बात है बेटे ऑलराइट है ओके झगड़े 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 जाम 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 क्या आप बात कर रहे हो उसे पूछना तो चाहिए था इसके ऑर्डर से छुड़ा उसे क्या क्या वो खुद आया था अच्छा ठीक है मैं अभी आता हूँ ओके क्यों भैया किसको टाइम दिया मेरे लिए कोई भाभी ढूंढ लिए क्या भाभी और इस लाइफ में मैं तो तंग आ गया हूँ इस पेशे से क्या हुआ वही पुरानी कहानी आशा भवानी के एक गुंडे को अरेस्ट किया था तिलकधारी के कहने पर उसे बाइज्जत छोड़ दिया गया अब ओह दिस इज शिवा माय क्लासमेट ये मेरे भैया तेजेश आई एम सॉरी नाइस मीटिंग यू आशा मुझे अभी जाना पड़ेगा प्लीज एक्सक्यूज मी बाद में मिलेंगे ओके बाय बाय तुम बैठो शिवा मैं चाय लाती हूँ अरे चम्मक छल्लो क्या चाल है रानी गुस्सा मत करना हम तो आपकी तारीफ कर रहे हैं
तंग आ गई उस मोहल्ले से, दम घुटता है मेरा यहाँ रहने को। कितनी बार बोल चुकी हूँ यहाँ से निकल के कहीं और चलिए, किसी शरीफ मोहल्ले में। अब तू हाथ मत लगा, जाए यहाँ से। अरे भाई, शरीफ मोहल्ले में रहने का किसका जी नहीं करता, मगर तुम्हें तो मालूम है हमारे पास पैसों की मजबूरी है। कहाँ कहाँ से लोगों को लाके घर में बसाते हो, पैसे की कमी नहीं होगी तो क्या होगा। अच्छा बस, बगैर समझे बोलती रहती हूँ। वो दो साल में कॉलेज से निकलकर खुद अपनी देखभाल कर लेगा, अगर उसे तुम्हारी बातें सुन ली तो जाने क्या सोचेगा। तुम जरा संभल कर बात किया करो। मुझे तुम्हारे जाति मामले में तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन भाभी की इतनी बातें सुनकर भी मेरी समझ में नहीं आता कि तुम वहां कैसे रहते हो। बाहर आकर कहीं भी किराए का मकान ले सकते हो, कोई पार्ट टाइम जॉब करके अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो। नहीं आशा, भाभी जो कुछ मेरे बारे में कहती रहती हैं, भैया समझते हैं, मुझे नहीं मालूम। अगर भैया को मालूम हो गया कि मैं सब जानता हूं तो उन्हें बहुत फील होगा, और कुछ कहे बगैर अगर घर से निकल गया तो और भी बुरा होगा। घर से नहीं निकले तो भाभी फील करेंगी, घर से निकले तो भैया फील करेंगे, घर में रहे तो तुम फील करोगे। आगे कुछ मत कहना वरना मैं फील करूंगी। जीडी, पीछे प्रिंसिपल है, इसको बाद में देख लेंगे। शिवा, उन लोगों से झगड़ा मत करना। शिवा प्लीज जाने दो ना, साइकिल बाद में ले लेना। क्या रहे? हाँ क्या लगती है तेरी? हाँ हाँ
शिवा 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 प्लीज लीव हिम शिवा 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 I'm really surprised, Mr. Shivkumar. इतना अच्छा रिकॉर्ड है तुम्हारा और तुम फोटो की तरह बर्ताव कर रहे हो। जी जी जी। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। मुझे भी अफसोस है सर। क्लास को डिस्टर्ब करने वालों पर आप कोई एक्शन नहीं लेते। लड़कियों को छेड़ने वालों को आप कुछ नहीं कहते। और यहाँ गलती उनकी है, मगर एक्सप्लेनेशन मुझसे मांग रहे हैं। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते। आपके अपने प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन मुझे कोई मारने के लिए आए तो चुपचाप बैठने के लिए मैं गांधी जैसे महान नहीं हूं। हाय हाय। इलेक्शंस के बारे में नोटिस दिखा? वही बातें चल रही हैं। शिवा, तुमको ये इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। मैं कितनी बार कह चुका हूं कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। इसमें इंटरेस्ट की बात नहीं है शिवा। अब तक इस कॉलेज में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं सिर्फ जेडी कॉन्टेस्ट करता आया है, क्योंकि उसके सामने खड़े होने से सब डरते हैं, इसीलिए वो हमेशा एनोनिमसली इलेक्ट हो जाता है। इस सिलसिले को हमें अब खत्म करना होगा। इलेक्शंस तुम लोगों के लिए मजाक हो गया है। जेडी कॉन्टेस्ट कर रहा है इसलिए मैं कॉन्टेस्ट करूं? ये तो सरासर बेवकूफी है। इलेक्शंस लड़ने का कोई पर्पस होना चाहिए। मेरे ख्याल से हमारे ग्रुप का बेस्ट कैंडिडेट नरेश है, यही कॉन्टेस्ट करे तो अच्छा है। जेडी कुछ करेगा तो मैं देख लूंगा। जेडी, नरेश इलेक्शन में खड़ा हो रहा है और शिवा उसे सपोर्ट कर रहा है। ये तो बहुत हो गया, चल भवानी से मिलते हैं। तुम जाओ, तुम अगर देखोगे तो होगा, कुछ ना कुछ कर सकते। ब्राउन शर्ट वाला क्या रे? तू कॉलेज का हीरो है क्या? तो एक बच्चों क्या पीट लिया, अपने आप को 30 मार का समझने लगा? हाँ बाबू, मेरी बात मान, अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। पॉलिटिक्स में अपनी गर्दन मत फंसा, कट जाएगी। सुना है नरेश को तूने इलेक्शन में खड़ा किया है, तू भवानी के बारे में नहीं जानता। मेरी बात मान, इलेक्शन विलेक्शन के बारे में भूल जा। नरेश को इलेक्शन में खड़ा करने के लिए अभी तक कोई पक्का फैसला नहीं किया था, लेकिन अब फैसला कर लिया है तुम्हारे आने के बाद। और अगर तुम्हारा भवानी मुझसे कुछ कहना चाहता है उससे बोलो, खुद आकर बात करें, अपने चमचों को ना भेजे। मैं बात कर रहा हूं ना। जवान हो ना, खून में बात गर्मी है। फिर मिलेंगे। हेलो, पढ़ाई लिखाई कदम। हाय ठहरो, कुर्सी लाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कुर्सी लाने का टाइम नहीं है। आज रात हम दोनों ने प्रोग्राम बनाया पिक्चर देखने का, नाइट शो। कम ऑन यार। नहीं यार, बहुत दिनों के बाद पढ़ने बैठा हूँ, तुम लोग जाओ। यार अच्छे सीन्स है, चल कम ऑन यार। सीन्स वीन्स तुम लोग देख लो, मुझे छोड़ दो। सारी दुनिया में एक ही है ये पढ़ने वाला। ऑलराइट मिस्टर शिवा, सी यू। पढ़ो लिखो, देश में नाम कमाओ। हम लोगों का क्या, हम लोग तो आवारा लोग है ना भाई। ऑल राइट, सी यू सी यू, बाय बाय। अंकल ये क्या है? हाय।
ओफो, अब तुम आई हो? और कौन आया? तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई क्या? तुम्हें ये संभालना बहुत भारी पड़ रहा है, ऊपर से दूसरी। भगवान का शुक्र करो कि तुम्हें मेरी जैसी लड़की मिली। अच्छा ये सब छोड़ो, हम लोग पिक्चर देखने चलते हैं। देखो आशा, अभी प्रकाश और नरेश को यहाँ से भगाया था, अब तुम मत शुरू करो। मिस्टर शिव कुमार, अगर आज रात तुमने पढ़ा नहीं तो सुबह सूरज नहीं निकलेगा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ता, चलो ना। मुझे पिक्चर बोर करती है आशा। तुमको पिक्चर देखने के लिए कौन कह रहा है? तुम मुझे देखो, मैं पिक्चर देखूंगी। तुम्हें? मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? अच्छा बाबा, तुम्हारी बकबक सुनने से तो पिक्चर देखना अच्छा है। लेकिन आपने कहा था कम बाय स्टडी करेंगे। प्लीज कल कर लो ना। ओके बाय। हमने बुलाया तो आए नहीं, लड़की ने बुलाया तो साहब फौरन चले आए। हाय शिवा। हाय। हाय। हेलो आशा। हाय। नहीं यार, बहुत दिनों के बाद पढ़ने बैठा हूँ, तुम लोग जाओ। ओ, ओ, नमस्ते। नमस्ते सर, आपका भाई सर। सॉरी बाबा, मुझे माफ करो। ये क्या हो रहा? कुछ खास नहीं, बस दोस्त दोस्त ना रहा। तो मैं बीसीओ फिल्मों में देख चुकी हूँ। क्यों लड़ते हैं, किस लिए लड़ते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। क्या बचपन है आशा, दूसरों को डिस्टर्ब होता है। मैं तुमसे बात करने आई हूँ, फिल्म देखने नहीं। बात करना था तो पार्क में चले जाते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? सिनेमा हॉल में बात करना मना है कहीं लिखा है? बताओ। डोंट बी स्टूपिड, स्टॉप इट। यू स्टॉप इट। Thank you.
के आज यार ऐसे हो के बेकरार दिल मिले खिले फुलवारी आनंद ब्रह्मा गोविंद महजबीन यार से नजर जो मिल गई दिल लगी ही दिल लगी में दो दिलों की बात चल गई मेरी हो तुम बनवारी नजदीक है मैं पैदल चला जाऊंगा ओके ओके नरेश कल कॉलेज में मिलते हैं बाय नरेश बाय बाय गुड नाइट सी यू गुड नाइट शिवा तो इस शहर में नया आया है उसको तो इधर के बारे में कुछ ही मालूम नहीं है पर तुम तो इसी शहर के हो अपन लोगों के बारे में सबको जानते भी हो फिर भी शिवा के भरोसे इलेक्शन लड़ने को तैयार हो गए बच्चे हो इसलिए तुम्हें समझाने की कोशिश भी की थी खामखा बात बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया तुम भवानी को जानते हो वो ऐसी बातों को कितना सीरियस लेता है Oh!
जेडी को कहीं से मालूम पड़ा कि हम लोग नाइट शो पिक्चर देखने वाले हैं। उसने भवानी के आदमियों को खबर कर दी और वो लोग नरेश के घर के पास उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नरेश पिक्चर के बाद घर लौटा, उसके आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। कितनी बार वार्निंग दे चुका हूं तुम्हें, लगता है तुम्हारी चाल बदलेगी नहीं। हेलो जी, अभी देखता हूं सर, तिलकधारी का फोन है, शायद इसी के लिए होगा। बोल दो मैं नहीं हूं। गंगाराम अंदर डालो इसे। हद है, शहर में इतनी गुंडागर्दी होती है, कोई मिनिस्टर केयर नहीं करता। एक गुंडे को अरेस्ट कर लिया तो फोन पे फोन आना शुरू हो गए। अब क्या करोगे? करेंगे क्या, कुछ नहीं। ये सब दिखावा है आशा, कुछ फायदा नहीं है इससे। नरेश पहचान नहीं सकेगा कि उसको किसने मारा है, और कोई दूसरा विटनेस है नहीं। कोई भी इसकी जमानत लेकर आएगा और मुझे इसको छोड़ देना पड़ेगा। नमस्ते साहब। अपने बाप का घर समझकर अंदर आए हो क्या? अंदर आने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। अच्छा,
आ सकते हैं? जगदीश दुबे के जमानत के कागजात। राम नाइक। यही है शिवा। फॉर्मेलिटीज पूरी करके उस लड़के को छोड़ दो। जी साहब। तुम लोग जा सकते हो। इसका नाम नाना जी है, भवानी का राइट हैंड। ये भवानी का नाम बार बार सुनता रहता हूं, कौन है वो? उसका पूरा नाम भवानी चौधरी है, सिनेमा की टिकट ब्लैक करता था। शुरू शुरू में कुछ आवारा लड़कों को जमा करके सड़क छाप गुंडागर्दी की और दादा बन गया। थोड़ी शोहरत मिली और तिलकधारी की नजरों में चढ़ गया, दोनों की जम गई। बस तभी से ये दोनों इस शहर के लिए एक बीमारी बन गए हैं। सियासी लड़ाई में तिलकधारी जैसे लीडरों को भवानी जैसे गुंडों की सख्त जरूरत पड़ती है। शहर में कोई भी गड़बड़ करवाने के लिए, कॉलेज या फैक्ट्रीज में स्ट्राइक करवाने के लिए भवानी को इन वर्कर्स और स्टूडेंट लीडर्स की सख्त जरूरत पड़ती है। और ये स्टूडेंट्स भवानी का सपोर्ट लेकर दादागिरी करते हैं और अपने आप को कॉलेज का हीरो समझते हैं, लेकिन जवानी के जोश में किस तरह अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं ये नहीं सोचते। इसका मतलब है इस देश को कोई नहीं सुधार सकेगा। सब लोगों के इसी तरह सोचने से ही देश की हालत ऐसी है। वाह वाह, आई टेल यू क्या मूड में नाचा है कल शिवा। आई छोटू, क्या बात है? सुबह नरेश को देखने हॉस्पिटल गया था, उसके डैडी मिले, कह रहे थे कि 5-6 महीने और हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। अच्छा, जेडी फिर अनपोज जीत जाएगा, और कोई कैंडिडेट तो है नहीं? कैंडिडेट है। भवानी साहब से मिलना है। कामता प्रसाद का आदमी आपसे मिलने आया। कामता प्रसाद जी आज रात 10 बजे आपसे मिलना चाहते हैं। आपको लेने हमारी गाड़ी आएगी, आपको अकेले आना होगा। तिलकधारी जी को फोन करो।
सीधे पॉइंट पर आ जाएं। अब सोचते हैं कि तिलकधारी की पार्टी से अच्छा नकलक हुए तो हम चुप बैठेंगे। चुप बैठने के सिवा तुम कर भी कह सकते हो? हाँ, मुझे मार डालोगे, पुलिस और अदालत को मेरे खून के बारे में पता नहीं चलने दोगे, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो ना, लेकिन बेवकूफी में तुम एक बात भूल रहे हो, मेरा कत्ल किसने करवाया पुलिस जाने या ना जाने, सारा शहर तो जान ही जाएगा, क्योंकि तिलकधारी और मेरी दुश्मनी के बारे में सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और तिलकधारी आने वाले इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट कर रहा है, मेरे कत्ल की बदनामी इलेक्शंस के नतीजे पर पड़ेगी। ही कांट अफोर्ड सच ए स्कैंडल। सिर्फ गुंडागर्दी नहीं, कभी कभी अक्ल का इस्तेमाल भी कर लिया करो, मेरे एक इशारे पर ये लोग तुम्हें मार डालेंगे, क्या फायदा होगा? पार्टी की लड़ाई में सबका नुकसान होता है। तुम एक काम करो, मेरी और तिलकधारी की एक मीटिंग फिक्स करवाओ, हम दोनों आपस में बात कर लेंगे। तुम्हारे कत्ल की खबर शहर को जानने के लिए तुम्हारी लाश तो मिलनी चाहिए ना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए। किसी को इस लाश का पता नहीं चलना चाहिए। नाना जी, ये जड़ी छोटी सी छोटी बात में हमारे मदद मांगने चला आता है। इन स्टूडेंट लीडर्स को हम इसलिए पालते हैं कि वक्त पर हमारे काम आ सके, लेकिन इनको हम पर बोझ नहीं बनना चाहिए। बने अच्छा आप सर, नमस्ते, बस ठीक है सब, आपकी दुआ। अच्छा अभी दिया तिलकधारी जी का फोन। जी
कौन हो? आप फिक्र मत करो जी, मैं देख लूंगा। हुसैन, वो कांता प्रसाद का आदमी क्या नाम है? ओ किशनलाल। हाँ, वो तिलकधारी जी को कुछ तकलीफ दे रहा है, जाके समझा, अगर नहीं माने तो कदम कर दो। हाँ, जाते जाते एक सिगरेट पैक भेजो। हाँ गणेश, जो कुछ भी शिवा के बारे में सुन रहा हूँ, लगता है वो कोई चिल्लर में खर्च करने वाले चीज नहीं है। अगर ठीक तरह से इस्तेमाल किया तो हमारे काम आ सकता है। तुम एक काम करो, जाके शिवा से मिलो, इलेक्शन में लड़ने के लिए बोलो। लेकिन हमारी तरफ से umpire does not. Kiramori is already down the other end. And well, that's John Hampshire, an animated decision. तो उसकी बात को दिल पर मत ले, उसका मूड खराब है अभी। मैं उससे बाद में बात करता हूँ। ये सेवा भी कहाँ मिलेगा? वो लंच टाइम में होटल हाईलाइट में आता है। नमस्ते गणेश भाई। हाँ, इधर कोई शिवा नाम का छोकरा। ओ, कॉलेज का स्टूडेंट। हाँ, अभी आता होगा, आप आइए। आपके लिए स्पेशल चाय ला रहे हैं। जल्दी कर यार, ट्राई करेंगे। आपसे मिलने गणेश भाई आए हैं। एक अनपढ़ गुंडे हो, आखिर तुम हो कौन हमारे कॉलेज के मामले में बोलने वाले? कॉलेज का इलेक्शन कॉलेज के लड़कों का अपना मामला है, कौन लड़ेगा किस लिए लड़ेगा इसका फैसला करने के लिए तुम्हारी या तुम्हारे भवानी की जरूरत नहीं। अगर भवानी तेरे को अपनी तरफ से इलेक्शन लड़ने को बोला तो तेरे क्या लगता है वो तेरे से डर गया? आज तक जो लफड़ा हुआ भूल जा, जहां तक हो सके हम लोग शांति से काम लेना चाहते हैं। मेरी बात मान ले, भवानी से पंगा मत ले। अगर वो चाहे तेरे हाथ पैर कटवा कर कॉलेज के किसी कोने फेंक सकता है। ये धमकी है क्या? जानता हूं तुम लड़ने नहीं बात करने आए हो, इसीलिए मैं तुमको और नहीं मारूंगा। अब मेरी बात सुनो, आज के बाद तुम या भवानी का कोई भी आदमी
इस कॉलेज के आसपास भी नजर आया तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। चलो यार चाय पीते हैं। शहर की किसी कोने के कॉलेज में शिवा नाम का स्टूडेंट इलेक्शन लड़े, इसे हमको कोई फायदा नुकसान नहीं, लेकिन ये बात कुछ अलग है। अगर लोगों को पता चल गया कि इस इलेक्शन के मामले में शिवा ने भवानी का आदमी को मारा और भवानी ने कुछ नहीं किया, मेरा डर कम हो जाएगा। कोई भी चलता फिरता मेरे सामने सर उठाने की हिम्मत करेगा। हमारे धंधे में सबसे जरूरी चीज है डर, क्योंकि इसी से हमारा धंधा चलता है। चलो आप तो शिवा को सबक सिखाना ही पड़ेगा, लेकिन जल्दी में कुछ नहीं करने का, उस पर नजर रखो, मौके देकर सबको मार दो। नानो जी, वो मौत इतनी भयानक होनी चाहिए कि आइंदा इस शहर में कोई भी आदमी भवानी के खिलाफ सोचते हुए भी डरना चाहिए। तुमने भवानी का ऑफर रिफ्यूज करके बहुत अच्छा किया शिवा। तुम्हारी जगह कोई और होता तो फौरन उसकी बात मान लेता और कॉलेज में किंग बनकर राज करता। शहर में भी लोग तुमसे डरते। वैसे तुमने कमाल कर दिया, तुमने गणेश को नहीं मारा बल्कि सीधा थप्पड़ भवानी के मुंह पर मारा है, और भवानी ये बात भूलेगा नहीं। तुम्हें बहुत संभल के रहना पड़ेगा। देखेंगे। तुम इस बात को इतना मामूली मत समझो, तुमने भवानी को पूरी तरह जाना नहीं। डोंट अंडर एस्टिमेट हिम। तिलकधारी और कामता प्रसाद में दुश्मनी थी। 2 महीने पहले कामता प्रसाद एक दिन खाना खाने के बाद अपने घर से बाहर निकले और आज तक वापस नहीं आए। ट्यूमर है कि भवानी ने उन्हें खत्म कर दिया है। हो सकता है ये सही हो, लेकिन केस रजिस्टर करने के लिए कम से कम लाश तो चाहिए ना, वो भी नहीं मिली। क्या सिर्फ ये कह देने से आपकी ड्यूटी खत्म हो जाती है? जब आपको विश्वास है कि भवानी इस पर हमला करने वाला है तो एक पुलिस इंस्पेक्टर होने के नाते आपको इसे बचाना चाहिए, पुलिस का प्रोटेक्शन देना चाहिए। मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूं बताऊं? 5 दिन के लिए 2 सिपाही दे सकता हूं, और अगर भवानी ने इसको मार दिया तो ज्यादा से ज्यादा कुछ लोगों के बयान ले लूंगा, और अगर वही भवानी तिलकधारी के साथ मिल गया तो उसे सलाम भी करूंगा। ये कोई नई बात नहीं है, तुम लोग रोज ही देखते रहते हो। पता नहीं ये सब कब ठीक होगा। कोई भी चीज अपने आप ठीक नहीं होती। आजकल जेडी और उसके साथी कैंपस में दिखाई नहीं दे रहे। और नहीं तो क्या, ऐसी मार खाने के बाद वो मुंह क्या दिखाएगा। ओफो, जेडी, गणेश, भवानी, सुन सुन के तंग आ गई। प्लीज स्टॉप इट। शिवा, कल संडे है ना, तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? अरे नहीं क्या, कल भास्कर की बहन की शादी में जाना है। और शिवा, तुमको आना ही होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। ओके। Only a few yards right of cover point, no chance at all.
शिवा उसके दोस्तों के साथ कल सुबह शादी पे कहीं बाहर जा रहा था। Right in the slot for the drive. And Robin Smith. गणेश को बुलाओ। शिवा, कीर्ति का बुखार सुबह से कम नहीं हो रहा है, लगता है उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तुम्हारे भाई शायद देर से आएंगे, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ओ शिवा, मैं भी आता हूं। चले यार, जल्दी कर यार। चलो यार। वन मिनट। हाय शिवा। हाय शिवा। हेलो भाई, ऑलरेडी लेट हो गए। अरे नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम है यार, कीर्ति को लेकर हॉस्पिटल जाना है, तुम लोग जाओ। अजीब इत्तेफाक है, उधर आशा ने जाने से इनकार कर दिया, इधर तुम भी। कोई प्रोग्राम है क्या? ऐसी बातों में कोई मजाक करता है क्या? सॉरी यार, मैं रिसेप्शन में जरूर आऊंगा। अच्छा, नो प्रॉब्लम, चलो चलते। तो चलो, हम तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देते हैं। इट्स ओके, आई विल मैनेज। ऑलराइट, देन सी यू एट द रिसेप्शन। उधर हाथ नहीं देना। बाय शिवा। बाय। हाँ बोल। अच्छा, बैन में नहीं गया कभी? तो फिर स्टूडेंट सिंह के पास क्या बोल गए? अपना शाम फोन करके बोला। आ रहा हूं मैं। नाना जी, उस वैन में जो अभी गणेश को मिलेगा वो उसे मार डालेगा। ये खबर सुनकर शिवा या तो होशियार हो जाएगा या हम पर हमला करेगा। ये हमारे लिए ठीक नहीं। ये खबर शिवा तक पहुंचने से पहले ही उसे मार दो।
क्या है, जब तक हम वहां पहुंचेंगे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होगा, मालूम है? पीना यार, एक से पीले यार, पीले यार। मुझे आपका पाया लेना है। तुम अच्छी तरह जानते हो मेरे बेटे के हत्यारों, मगर तुम उनको नहीं पकड़ोगे। मेरे पास आओगे, मेरा बयान देने,
जैसे मेरे बयान से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूं तुम क्या कहोगे, कोई गवाह नहीं मिला, किसी ने उसे मारते हुए नहीं देखा, इसलिए तुम उन हत्यारों को नहीं पकड़ पाए। तुम कुछ भी कहो, उससे मेरा बेटा तो वापस नहीं मिलेगा। हमारे पास जो कुछ भी था सब बेच डाला उसे कॉलेज में पढ़ाने के लिए। सोचा था कॉलेज से निकलेगा, कोई अच्छी नौकरी कर लेगा, उसकी बहन की शादी हो जाएगी, सब खत्म हो गए। मैं नहीं जानती ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती है, पर सजा तो मुझे मिल रही है। इस बार तो मेरी बच्ची बच गई, कल कुछ हो गया तो बोलो, जवाब दो। तुम्हारे भाई की वजह से अब सबकी जान खतरे में है, इसके बारे में कभी सोचा है? अंदर चलो। भाभी ठीक कह रही हैं। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं अपने साथ आप लोगों को भी मुसीबत में डाल रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से आप लोग भी मुसीबत में पड़े। मैं इस घर से जा रहा हूं। अब तो हम चुपचाप नहीं बैठ सकते शिवा, अंजाम कुछ भी हो जल्द से जल्द हमें कुछ करना ही पड़ेगा। छोटू, भवानी के लोग हफ्ता वसूल करने आए हैं। छोटू, अब नहीं। क्यों, प्रकाश की मौत से डर गए? छोटू, हमें वही गलती नहीं करनी चाहिए जो हम करते रहे हैं। प्रकाश की मौत के बदले में अगर हमने भवानी को मारा उससे कुछ नहीं होगा, या तो गणेश भवानी बन जाएगा या कोई और। सिर्फ भवानी को मारना तो एक जाती मामला है, उससे कुछ नहीं बदलेगा। उन जैसे लोगों को पैदा करने वाले सिस्टम को तोड़ना चाहिए, लेकिन ये काम जल्दबाजी में नहीं सोच समझ कर करना है। हड़ताल की वजह से 2 महीने से मेरी फैक्ट्री को ताला लगा हुआ है, पूरा प्रोडक्शन ठप हो गया है।
मजदूरों के मांगे पूरी करो, ताला खुल जाएगा। इसीलिए आपके पास आया हूँ। मैं जानता हूँ कि इस शहर की तमाम यूनियंस का कंट्रोल आपके हाथ में है। मुझे फैक्ट्री को किसी कीमत पर भी खोलना है, वरना 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाएगा। समझदार। वर्कर्स की मांगे मान लूं तो मुझे 20 लाख देने पड़ेंगे। स्ट्राइक खत्म करवा के आप मेरी मदद कीजिए। आगे बोलो। मैं आपको 5 लाख दूंगा, स्ट्राइक खत्म करवा दीजिए। 8 लाख प्लीज। मेरे प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसमें ज्यादा पैसा नहीं कमाने वाला हूं। 10 लाख ज्यादा नहीं बोलने का, आप जा सकते हैं। अपना जबलका का माल भी आएगा? नहीं, जाके ला ले। मजदूरों की क्या हालत है वो सिर्फ मैं ही जानता हूं। स्ट्राइक को इतने सारे दिन हो गए हैं और मैनेजमेंट ने हमारी एक भी डिमांड पूरी नहीं की, और आप कह रहे हैं कि स्ट्राइक खत्म करो। आपके और मैनेजमेंट के बीच में क्या मामला है वो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे मजदूरों को जवाब देना पड़ेगा। किशनकंत, ज्यादा बात की तो गर्दन काटूंगा। किशनकंत मेरी बात सुनो। वर्कर्स के लफड़े में तुम क्यों फंसते हो? भवानी बोले से सुन लो, जाओ जाके वर्कर्स को समझा दे के स्ट्राइक बंद करा दो। आप मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? इस स्ट्राइक में मजदूरों का जो कुछ भी नुकसान हो रहा है, उनका लीडर होने के नाते उसका जिम्मेदार मैं हूं। बस। और भवानी बहुत डेंजर आदमी, सर फिर गया ना काट के रख देता। चलो प्रकाश के मर्डर में बच गए लौंडे, पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दिया करते। गणेश का ऊपर अरेस्ट वारंट इशू हुआ, उसको अपना प्रेसिडेंट बार में छुपाया। शिवा घर से निकल के दोस्तों को बस से रखा था। नाना जी, हमारे धंधे का असूल है कि दुश्मन का हाथ उठने से पहले ही उसे काट देना चाहिए। तक सोए नहीं? हम भी अभी अभी आए। कुछ हुआ? नहीं, गणेश के बारे में जानने को सही कांटेक्ट नहीं मिल रहा है। प्रकाश के कत्ल से जेडी डर के शहर छोड़ के कहीं चला गया है। मेरा शक है कि गणेश भी कहीं भाग गया होगा। नहीं, गणेश को यहीं कहीं छुपाया होगा। किसी मिनिस्टर को पकड़कर केस खत्म करवा देंगे, तब तक उसे बाहर नहीं लाएंगे। इस बार भवानी को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। जो कुछ भी प्रकाश के साथ हुआ दोबारा नहीं होना चाहिए। शिवा, सुना है कि प्रकाश के घर की हालत बहुत खराब है। कल उसका पता ले लो, पैसे भेजेंगे। भास्कर लाइट बंद करो। छोटू रॉड्स निकाल।
मैं तुझे मारने नहीं आया। तुम्हारी तरह मुझे पीछे से हमला करने की आदत नहीं। आज के बाद इस शहर में तुम्हारा जो कुछ भी है सब बर्बाद कर दूंगा। जो करना है कर ले। देखो किशनकांत, अपना काम करो ना यार। प्रकर्ष और भवानी के बीच में तुम क्यों फंसते हो? मारे जाओगे। मेरी बात सुन लो, स्ट्राइक खत्म करवा दो। कौन हो तुम लोग? आइंदा इस एरिया में भवानी का कोई भी आदमी नजर नहीं आना चाहिए। मेरा नाम कृष्णकांत है, मजदूर यूनियन का लीडर हूं। आपसे कुछ बात करनी है। वर्कर्स को मैनेजमेंट के साथ बात करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वो भवानी जैसे गुंडों के पास मदद मांगने जाते हैं, और ये गुंडे मैनेजमेंट से पैसा लेकर उनसे हाथ मिला लेते हैं और हमारी स्ट्राइक फेल हो जाती है। हम दोनों तरफ से मारे जाते हैं। मैं इसलिए आपके पास आया हूं कि आप हमारी स्ट्राइक में मदद करें। अगर भवानी को रोकना है तो उसके कारोबार, उसके आदमी, हर चीज पर वार करना होगा, और उसके लिए हमें बहुत से आदमियों की जरूरत होगी। इस बारे में आप बेफिक्र रहिए, मेरे साथ 17 फैक्ट्रियों के यूनियंस हैं और ये सब आपका साथ देंगे। जैन का फोन है। क्या? अगर डिमांड्स पूरा नहीं करे तो स्ट्राइक चलते रहता बोल के शिवा धमकी दिया करे। तो किशनकांत के सारे यूनियन शिवा के हाथ में चले गए बोल के जैन को मालूम हो गया शायद, इसलिए मान लिया। दो ट्रक आदमी ले जाओ और कर लो। शिवा को मारना उतना आसान नहीं। क्यों क्यों? हाँ, वो भगवान है क्या? ऐसी बात नहीं, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? तुम्हारा मतलब है कि शिवा को हम कुछ नहीं कर सकते? ऐसी बात नहीं, आजकल शिवा के लोग पूरे बंदोबस्त में, मगर सोचे कुछ भी करना अपने लिए बहुत डेंजर है। शिवा 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 कल आए हो चोकरा? आफ्टर ऑल एक स्टूडेंट है, बड़ा दादा है क्या? बोल। नाला, इसके फैमिली के बारे में क्या जानते हो? एक बड़ा भाई है, दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया, घर से निकल के दोस्तों के पास रह रहा हूं। उसके कोई ना कोई कमजोरी तो होगी। है, उसकी गर्लफ्रेंड आशा।
जो मैं कहूंगा उसे गौर से सुनो। अगर आशा को कुछ हो गया तो तुम लोगों में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। मेरी बात मान के आशा को छोड़ दो। मैं वादा करता हूं कि तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगा। अच्छा हुआ कि तुम्हें उठा ले जाने की कोशिश करते हुए मेरे आदमी ने देख लिया, वरना क्या होता। ये हमारी खुशकिस्मती थी, ये हमेशा नहीं हो सकती। वो चाहते हैं कि तुम्हें पकड़कर मुझ तक पहुंचे। अब वो अच्छी तरह जान चुके हैं कि तुम मेरी कमजोरी हो। मेरा क्या होगा मुझे इसकी फिक्र नहीं, लेकिन मेरी वजह से तुमको कुछ हो गया। आशा प्लीज, ये शहर छोड़कर चली जाओ। शिवा प्लीज, मुझे मजबूर ना करो कि मैं ये शहर छोड़ दूं। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती। आई लव यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अगर तुम्हें मेरी इतनी चिंता है, तुम्हारे साथ से बढ़कर सेफ्टी मुझे और कहां मिल सकती है। अपनी बहन को अच्छी तरह से जानता हूं और मुझे मालूम है कि मेरी बहन ये अच्छी तरह समझती है कि वो क्या करने जा रही है। तुम्हें भी मैं जानता हूं, इसलिए तुम दोनों जो भी करोगे यकीनन ठीक ही करो। आशा। हाँ भैया। मैं बहुत खुश हूं कि तुम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया है। मेरा अभी से एडवांस में तुम लोगों को आशीर्वाद। थैंक यू, आई एम रियली वेरी हैप्पी। अच्छा मैं अभी चलता हूँ, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है। आई सी यू लेटर। उठो, शादी। कॉलेज में तो बड़ी डिंगे मारती थी, शादी नहीं करूंगी। चावल चुनना पड़ता है, सब्जी काटना पड़ता है, खाना पकाना पड़ता है, और अब क्या करोगी? मेरे लिए सब करूंगी। मेरी कदर जाने।
मेरा नाम सदानंद है, डायमंड बार का मालिक हूँ। भवानी के आदमियों ने मेरे होटल को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ रखा है। आते हैं, मुफ्त में खाते पीते हैं, पैसा मांगो तो तोड़ फोड़ करते हैं। मुझे आपका प्रोटेक्शन चाहिए। अगर आपने ऐसा न किया तो मेरे लिए सब कुछ बेचकर गांव वापस जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। शराब खाने और होटल वाले अपने को हफ्ता देना बंद कर दिए। शॉपिंग एरिया के दुकानदार अपने कोटों को खातिर नहीं कर रहे। वर्कर्स यूनियंस के साथ साथ स्टूडेंट्स यूनियन भी शिवा की तरफ चले गए। हेलो आशा। अरे भैया, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अंदर चल के बात करते हैं। आजकल बहुत कम दिखाई देते हो, बिजी हो क्या? नहीं तो, वैसे आजकल काम कुछ कम हो गया है। हमारे डिपार्टमेंट को पहले ज्यादा काम तो भवानी और उसके गुंडों की वजह से करना पड़ता था, लेकिन अब शिवा का डर उन छोटे मोटे गुंडों और भवानी के आदमियों पर ऐसा बैठ गया है, शहर में गुंडागर्दी पहले से काफी कम हो गई। समझ में नहीं आता कि ये सुनकर मुझे खुश होना चाहिए या बात क्या है। शादी से पहले जुल्म और अन्याय के खिलाफ कोई लड़ता था या बात करता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता। शायद यही वजह है कि मैं शिवा को चाहने लगी।
लेकिन शादी के बाद ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। सोचती हूँ क्या जरूरत है दूसरों के लिए रिस्क लेने की। शिवा को ये सब छोड़ देने के लिए तो कह नहीं सकती। डर लगता है कि वो मुझे स्वार्थी समझकर अपनी नजरों से गिरा ना दे। लेकिन जब भी वो घर से निकलते हैं एक डर सा लगा रहता है कि पता नहीं कब क्या सुनने को मिल जाए। अच्छा ठीक है, खबर मिली है तिलकधारी इस बार इलेक्शन में खड़ा हो रहा है और जीत भी जाएगा। इसको नहीं मालूम इलेक्शन का ये फार्स। पिछले इलेक्शंस में भवानी के आदमियों ने अपोजिशन पार्टी के पोस्टर्स तक नहीं लगने दी, बमबाजी करके कोई मीटिंग तक नहीं होने दी और बूथ कैप्चरिंग रिगिंग तो गारंटी है। ऐसा तो इलेक्शन में होता ही रहता है। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। इस बार इलेक्शन में तिलकधारी के खिलाफ आप लड़ेंगे। शिवा, ये नाम मैंने एक साल पहले सुना था। शिवा कॉलेज के इलेक्शन में भवानी के आदमी के खिलाफ खुद खड़ा हुआ था या किसी को खड़ा किया था मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन नाम मैंने सुना है शिवा। आप बोलते हैं कि वो भवानी से ज्यादा पावरफुल हो गए। कृष्णकांत को सपोर्ट कर रहा है। जरा भवानी को फोन लगाना। भवानी ये शिवा का क्या है? का नाम जानते हो कि वो भी मैं ही बताऊं? जानता हूं। तो जानकर क्या किया तुमने? उसके नाम की माला जपी, उसके नाम का भजन किया या किया क्या तुमने? कल का आया हुआ स्टूडेंट छोकरा तुम्हारी नजरों के सामने बढ़ता जा रहा है और तुम घर में बैठ के जख मार रहे हो, शर्म नहीं आती? बस कीजिए, मुझे हफ्ते का टाइम दीजिए। शिवा का नाम दोबारा नहीं सुनेंगे आप। गुड, अब बिल्कुल भवानी जैसे बात कर रहे हो तो एक हफ्ता। ओके, अब मुझे थोड़ा पैसा चाहिए। हेलो, अगर गणेश की एड्रेस चाहिए तो 1:08 ₹10,000 लेकर उर्वशी बार में आ जाओ। कौन वो? शिवा कहाँ है? किसी यूनियन मीटिंग पे बाहर गया है।
पैसे लाए? पहले एड्रेस बताओ। रेजिडेंट बार के फर्स्ट फ्लोर में। पांच साल से कामता प्रसाद के पास बॉडीगार्ड का काम करते हुए भी 10,000 के लिए तुमने उसे भेज दिया। तुम कैसे सोचे कि मैं तुम पर भरोसा करूं? मुझे मालूम है कि तुमने इसको फोन किया। बैड लक। सोचा था कि शिवा आएगा। Thank you.
प्रेसिडेंट बार चलो। छोटू की हालत बहुत खराब है। हाँ। डॉक्टर ने क्या कहा? अभी कुछ कह नहीं सकते। कोई ज्यादा खतरा तो नहीं? दो दिन तक कुछ नहीं कह सकते। आखिर इस खून खराबे का कोई अंत है? मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मंजिल क्या है और इसका मान भी करती हूँ, लेकिन एक हद होती है। तुम्हारे घर से जाकर लौट आने तक मेरा दिल धड़कता रहता है। जीवन का हर पल एक अनजाने डर से घिरा हुआ है। क्या मुझे चैन की नींद सोने का अधिकार नहीं है शिवा? क्या कभी अपने लिए भी जी सकेंगे? शिवा प्लीज ये सब छोड़ दो, हम इस शहर से कहीं दूर चले जाएंगे। एक काम और, ये शहर किस लिए छोड़ दें? भवानी के डर से? अगर ये सब छोड़ना था फिर शुरू करने का मतलब ही क्या था? मैं जानता हूं कि मैं खतरे में हूं। भवानी के आदमी इस कोशिश में है कि मुझे खत्म कर दें, लेकिन मैं अपनी मौत से नहीं डरता। आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ माई डेथ। बिफोर दैट आई हैव टू डू समथिंग। ये सब जानकर भी तुम कहती हो ये सब छोड़ दूं? छोड़ सकता हूं तुम्हारी खातिर, बिकॉज आई लव यू। लेकिन तुम एक बात समझने की कोशिश करो, जो खेल मैंने शुरू किया उसे खत्म करना ही होगा। अगर ये खेल मैं अधूरा छोड़ दूं, कल सुबह तक मेरी मौत हो जाएगी।
अभी गणेश से मिल के आ रहा हूं। अगर उसको पुलिस स्टेशन से नहीं छुड़ाए तो आपके बारे में कोर्ट में सब कुछ बोलते मुड़के धमकी दिया। गणेश बेल पे चुड़ाने के लिए बहुत कोशिश किया लेकिन गणेश का मुंह खुलेगा तो वो सिर्फ प्रकाश का मर्डर नहीं, बहुत से बात बाहर आ जाएंगे। किसी भी हालत में गणेश को अदालत नहीं पहुंचना है। तो रात में गणेश की फरारी का इंतजाम करूं? हेलो सिटी पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर तेजेश स्पीकिंग। दाना पानी के पास मर्डर हो गया, मैं सामने टेलीफोन बूथ से बात कर रहा हूँ, यहाँ बहुत बरगड़ मची है, अब जितना जल्दी हो सके चले आइए। हेलो जल्दी चलो। अब आपको अंदाजा हो गया ना कि पुलिस स्टेशन भी कितनी सेफ जगह है। घबराइए मत, गणेश मेरे पास है, कल सुबह अदालत के सामने उसे आपके हवाले कर दूंगा। शिवा से कहो तिलक धारी आजाद आए हैं। भवानी को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो, वो गणेश को अदालत तक नहीं पहुंचने देगा, कुछ भी कर सकता है। बी केयरफुल। आपसे मिले तिलक धारी आजाद आए हैं। शिवा बहुत छोटे हो तुम, वेरी यंग। पानी। बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे आकर मिलूं, मिलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। खैर आज तो मुलाकात हो ही गई। एक काम था तुमसे। जानता हूं गणेश, तुम समझते हो कि मैं गणेश को छुड़वाने आया हूं, उसको अदालत में ले जाओ, जेल में डाल दो, और अगर जरूरत समझो तो काटकर फेंक दो, मुझे कोई एतराज नहीं। शिवा
तुम अच्छी तरह जानते हो कि भवानी मेरा आदमी है, फिर भी तुमने उसके आदमियों को मारा। मैंने कुछ किया? तुमने मेरे ओपोनेंट कृष्णकांत को सपोर्ट किया। मैंने कुछ कहा? अगर तुम भवानी का मर्डर करना चाहते हो करो, बेशक करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मामले में तो मैं शायद तुम्हारी मदद भी करूंगा। मेरे बारे में तो जरूर सुना होगा कि पुलिस, पॉलिटिकल लीडर्स, जजेस सब मेरी मुट्ठी में है। तुम्हारे जैसे आदमी को मेरी जरूरत होती है और मेरे जैसे आदमी को तुम्हारी। अगर हम दोनों मिल जाए तो ये शहर में हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगा। अग्रे मिलाओ हाथ। सुबह उठते ही पेपर, रेडियो और टीवी पर तुम लोग चिल्ला चिल्ला कर ऐलान करते हो गुंडागर्दी को खत्म करना है, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना है, और तुम्हारी नजरों में मैं एक गुंडा हूं। आखिर तुमको मुझसे क्या काम? भवानी अब तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं रहा, इसलिए मेरी जरूरत पड़ी। तुम तो भवानी से भी ज्यादा कमीने हो। तुम जैसे लोगों को तो सबके सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। एक मिनट और यहां रुके तो चप्पल से मारूंगा। गेट आउट। ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। अब ये शिवा का क्या करेंगे? जवानी का जोश है ना, नहीं नहीं ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। सोचना भवानी के बारे में है, वो तो गया, वो तो डूबेगा ही, हमको भी साथ मिले डूबेगा अगर हम उसको सपोर्ट देते रहे। हमारा भवानी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। आज के बाद हम भवानी को जानते ही नहीं। गलतदारी से नहीं हुआ, और किससे होगा? वो लोग गणेश को कहाँ छुपाए वो भी नहीं मालूम। नाना जी चलो।
हाँ बोल। अच्छा का फोन है, अपने कब्र सेवा तक पहुंच जाने से पहले ही गणेश को अदालत में पेश कर देकर तुम्हारा गिरफ्तारी का वारंट निकल गया। अब यहां रहना तुम्हारे लिए बहुत डेंजर है। भवानी कहाँ है? सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मतलब तुम समझा नहीं क्या? मैं तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट कैंसिल नहीं करा सकता। एक काम करो, तुम यहां से चले जाओ। तुम्हारे पीछे पीछे पुलिस यहां तक आ सकती है, तुम्हारी वजह से मैं मुश्किल में आ जाऊंगा। चले जाओ यहां से। लगदरी जी, मेरी गिरफ्तारी आपके लिए भी खतरा बन सकती है। तो तुम मेरे बारे में जो कुछ भी जानते हो वो पुलिस को बताओगे, और पुलिस तुम्हारा काम मानकर मुझे अरेस्ट करेगी। भवानी, तुम जानते नहीं तुम्हारी औकात क्या है? तुम एक मामूली सड़क छाप गुंडे हो, गटर के कीड़े, और मैं होने वाला मिनिस्टर। पुलिस तुम्हारी बात मानेगी या मेरी? जाओ बाहर जाकर चिल्लो, अगल कुत्ते की तरफ भौंक कर जाओ। कुछ नहीं होने वाला। Get up! Yeah.
Whoa!